अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे बहुत ही खूबसूरत जगह शेयर करने वाली हूं, तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज हमने प्लान बनाया है बाहर पार्क जाने का और हम बस स्टॉप पे आ चुके हैं और बस के आने का वेट कर रहे हैं। गर्मी बहुत तेज़ है और ये देखें बस आ चुकी है। यहाँ मैंने सोचा आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। यहाँ काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये लोग रोड वाइड कर रहे हैं और काफ़ी बिल्डिंग्स भी बन रही है और अंडरग्राउंड MRT स्टेशन कनेक्ट कर रहे हैं ये लोग, तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है आजकल। कुछ स्टॉप के बाद हमें यहाँ से MRT ट्रेन चेंज करनी होती है, तो हम यहाँ ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और सामने MRT स्टेशन है। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि हम बहुत लॉन्ग टाइम के बाद बाहर जा रहे थे। तो ये लीजिए, ट्रेन भी आ चुकी है। बच्चों ने वहाँ बैडमिंटन खेलना था, तो हमने सोचा कि हम भी थोड़ा खेल लेंगे बच्चों के साथ साथ। ये देखिए बाहर का व्यू कितना खूबसूरत है। मैंने सोचा मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे ट्रेन किसी स्टॉप पे रुकी हुई थी और मैंने सोचा आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक ओपन फील्ड है और काफ़ी लोग जॉगिंग कर रहे हैं और छोटा सा प्ले एरिया भी बना हुआ है। तो हम MRT स्टेशन से बाहर निकल गए हैं और हम जा रहे हैं पार्क की ओर। ज़्यादातर हम वीकेंड में बाहर जाते रहते हैं क्योंकि जब आप अकेले रहते हो कोई ऐसी कंट्री में जहाँ पे आपका कोई रिलेटिव्स ना हो, तो आपको बाहर जाना भी चाहिए, जिससे माइंड फ्रेश हो जाता है और इंसान डिप्रेशन में भी नहीं आता। पार्क जाते वक्त हमें काफ़ी वॉक करनी पड़ती है और एक तरह से अच्छा भी है, वॉक करना सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और वैसे भी अब हमें आदत हो गई है वॉक करने की। तो हम एंटर हो चुके हैं पार्क में। माशाल्लाह से चारों ओर आपको बस ग्रीनरी ही देखने को मिलेंगी। यहाँ पे मोस्ट ऑफ लोग जॉगिंग करने आते हैं, साइकिलिंग करते हैं और वीकेंड में काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी कोविड की वजह से पब्लिक काफ़ी कम हो गई है। ये देखिए कितने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं।
माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे फ्लावर्स हैं। बस अब हमको आगे चलना है और हम जा रहे हैं बीच की ओर। हमको जाना है वहां तक, अभी वॉक करनी है। वहां पे दो लड़कियां बॉक्सिंग कर रही हैं। तो ये आपको बीच दिखाई दे रहा होगा, कितना खूबसूरत और कितना प्यारा व्यू है। हम बीच के और करीब आ गए हैं। मुझे पानी देखना बहुत पसंद है। काफी बच्चे वहां पे खेल रहे हैं। नॉर्मली हम लोग यहाँ आके बैठते हैं, यह मेरी फेवरेट जगह है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लोग फिशिंग कर रहे थे तो हमें यहाँ से जाना पड़ा। अब हम ढूंढ रहे हैं कोई और जगह। देखिए कितना प्यारा व्यू है। नज़दीक ही कुछ आइलैंड भी हैं वहाँ पे, मुझे उनके नाम ठीक से याद तो नहीं, लेकिन काफ़ी लोग वहाँ पे हॉलीडेज पे जाते हैं। ये मेरी फेवरेट जगह है, जब भी हम लोग आते हैं हम लोग यहाँ पे बैठते हैं और बड़ा सुकून मिलता है। ये इवनिंग का टाइम है, तकरीबन 6:30 बजे हैं। लोग फिशिंग कर रहे हैं, देखें। वहाँ सामने मलेशिया की बॉर्डर लग जाती है और मलेशिया यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ से चले आए और हमने दूसरी जगह बैठने को ढूंढ ली। वो रही जगह, आप देख सकते हैं हम वहां पे गए थे अभी। ये पार्क काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम लोग बहुत लेट गए थे और मगरिब का टाइम ऐसे ही हो गया था, इसलिए इसे पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। यहाँ पार्क में बच्चों का एक बहुत बड़ा प्ले एरिया भी है, जो मैं आपको किसी और ब्लॉग में कवर करके दिखाऊंगी। मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं पानी के अंदर जाऊं, लेकिन मैंने पहने थे जूते और जिसकी वजह से मैं बस पानी के करीब जाके वापस आ गई। तो अब यहाँ शाम के 7:30 बज चुके हैं और अब हमें घर वापस लौटना है। और ये देखें आसमान में खूबसूरत सा चांद। तो आपको मेरा ये पहला ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इंशाल्लाह मैं एक नई जगह का ब्लॉग फिर से बनाऊंगी। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।